नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज। स्वागत है हमारे एक और खास कार्यक्रम और अद्भुत कार्यक्रम में। किसी भी तरह का जुनून किसी भी व्यक्ति की प्रसिद्धि का कारण बन सकता है। ऐसा ही जुनूनी कारनामा फरीदाबाद के एक उद्योगपति ने देश और विदेश की मुद्रा इकट्ठा करके कर दिखाया है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की मुद्रा संग्रह करने पर इस उद्योगपति का नाम 6 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस दुनिया में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ रिकॉर्ड खुद ब खुद बन जाते हैं, और तो और कुछ लोग के शौक ही उन्हें दुनिया में मशहूर कर देते हैं। ऐसे ही उद्योगपति सतीश सिंगल के शौक ने उन्हें मशहूर कर दिया है। नायाब और अद्भुत करेंसी कलेक्शन का शौक रखने वाले फरीदाबाद सेक्टर 16A निवासी उद्योगपति सतीश सिंगल का नाम आज फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में गूंज रहा है। हमारी टीम ने उद्योगपति सतीश सिंगल के घर का दौरा किया और उनकी नायाब करेंसी कलेक्शन को देखा, जिसे उन्होंने 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद संजोया है। आज उनके पास अनोखे नंबर वाले कागज के रुपए और सिक्कों का अद्भुत संग्रह है, जिसके लिए उनका नाम 6 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। आखिर कैसे लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाले उद्योगपति सतीश सिंगल पुराने सिक्कों और आनापाई की चिल्लर का शौक रखने लगे, आइए जानते हैं। बातचीत करते हुए सतीश सिंगला ने बताया कि फरीदाबाद में उनकी एक ऑयल मिल और नट बोल्ट की फैक्ट्री है। 15-16 साल पहले घर में कुछ पुराने सिक्कों को देखकर उनका शौक जागृत हुआ। इसके बाद उन्होंने पुराने और रेयर सिक्कों को जमा करना शुरू कर दिया। सिक्कों के साथ साथ पुराने नोटों की करेंसी भी उन्होंने जमा करनी शुरू कर दी। बाद में उन्होंने विदेशी करेंसी भी जमा की। मेरा नाम सतीश सिंगल है। मेरा क्या नाम बिजनेस है, मेरी एक ओल्ड फरीदाबाद में ऑयल मिल है, दूसरा एक नट बोल्ट की फैक्ट्री है ओल्ड फरीदाबाद में ही। और ये 15-16 साल पुराना मेरा शौक है। घर में पुराने पड़े हुए सिक्कों से ये मेरा शौक जागृत हुआ, और उसके बाद मेरे को जहाँ किसी ने भी ये बता दिया कि वहाँ पुराने सिक्के हैं या उसके पास हैं, और बड़ी मुश्किल से उनसे खुशामद करके उनसे ले सिक्के लाला के इकट्ठे करे हैं, ये मैंने कलेक्शन की है। नायाब और अद्भुत करेंसी कलेक्शन का शौक रखने वाले सतीश सिंगल के पास 209 साल पहले की पुरानी करेंसी मौजूद है, और इसमें पुराने से पुराने कितने प्रकार के सिक्के हैं देखिए इस रिपोर्ट में। सतीश सिंगल ने बताया कि उनके पास 1808 से लेकर 2017 तक के हजारों देश विदेश के सिक्के उनके म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज उनके पास आना पाई, आधा आना, ढेला, एक आना, दो आना, चार आना, आठ आना, आधा पैसा, एक पैसा वो भी छेद वाला, दो पैसा, इन सब चिल्लर के साथ साथ 100 रुपए का सिक्का भी उनके म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि मार्च 2014 में पहली बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 20 पैसे के 19 प्रकार के सिक्के और 2 रुपए के 43 प्रकार के सिक्कों को मान्यता दी गई थी, परंतु अब 2 रुपए के सिक्के 48 प्रकार के हैं। 6 मार्च 2014 को इंडिया बुक रिकॉर्ड में 5 रुपए के 51 सिक्के और 2 रुपए के 44 तरह के संग्रह को सम्मिलित किया गया। अब 5 रुपए के 68 और 2 रुपए के 48 सिक्के उनके पास हैं। 4 जून 2014 को 20 पैसे के 19 प्रकार के सिक्के रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। 50 पैसे के सिक्कों को 14 मई 2015 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और 30 जुलाई 2015 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 60 प्रकार के सिक्कों को अपने रिकॉर्ड में वंदना गुप्ता के नाम से लिखा गया था। अब यह रिकॉर्ड 61 सिक्कों का है। 25 पैसे के सिक्कों को 14 मई 2015 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और 16 सितंबर 2015 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 50 प्रकार के सिक्कों को अपने रिकॉर्ड में आयुष सिंगल के नाम से लिखा गया था। 14 मई 2015 में 10 रुपए के 16 वैरायटी के सिक्के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 14 मई 2015 को दर्ज किए गए, और इसी श्रृंखला में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2101 सिक्के 16 प्रकार के दर्ज किए गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सन 1862 में भारत ब्रिटिश सरकार ने सिक्कों की पहली सीरीज शुरू की, और इस सीरीज का एक सिक्का 2 आना चांदी का बना हुआ था, जो कि सिंगल के पास अभी भी मौजूद है। 6 प्रकार के रिकॉर्ड
एक पैसा 20 प्रकार का, दो पैसे 13 प्रकार के, तीन पैसे 4 प्रकार के, पाँच पैसे 16 प्रकार के और 10 पैसे 44 प्रकार के और 1 रुपए के 90 प्रकार के सिक्के आज भी उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इस सभी संग्रह के कारण उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेज 2017 पर इनके पूरे परिवार को सम्मानित किया गया है। जैसे एक आना और सबसे छोटा सिक्का जो है पाई होता था, जो कि पैसे का 1/3 हिस्सा होता था। जैसे कहते थे ना, एक पाई नहीं दूंगा, वो पाई जो है एक पैसे का तीसरा हिस्सा होती थी। उसके बाद होता था आधा आना, अधन्नी धेला जिसे बोलते थे, वो एक पैसे का दूसरा हिस्सा होता था, हाफ। अच्छा, एक पैसा उस टाइम में नहीं होता था, उस टाइम में होता था क्वार्टर आना, जो कि एक आना 4 पैसे का होता था, उसका एक हिस्सा होता था, इसलिए उसे क्वार्टर आना बोलते थे। उसके बाद मीट्रिक सिस्टम चालू हुआ 1 अप्रैल 1957 से मीट्रिक सिस्टम चालू हुआ, जिसमें 1 रुपये के 100 पैसे बना दिए गए। पहले 1 रुपये के 64 पैसे होते थे, उस इसलिए कहते हैं 16 आना। उसका मतलब यह है कि 16 आने के 96 पैसे हो गए, 4 पैसे का वो 1/4 आना हो गया, इसलिए 16 आना बोला जाता है। इस तरीके से मेरे पास 1 पैसे के 20 तरह के सिक्के हैं, 2 पैसे के 20 तरह के हैं और हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 10 पैसे के 19 तरह के 20 पैसे के 19 तरह के सिक्कों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला, 25 पैसे के 50 तरह के, 50 पैसे के 61 तरह के सिक्कों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज है, 5 रुपये के 48 तरह के सिक्के हैं, 10 रुपये के 25 तरह के सिक्के हैं जिनमें हमारे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 6 बार नाम दर्ज है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी 6 बार नाम दर्ज है। इन सब कलेक्शंस के लिए हमें 12 नवंबर 2017 को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में ये मेडल और सर्टिफिकेट्स दे दे के सम्मानित किया गया था। अच्छा, बात करें, ये तो सिक्कों की बात बताई आपने, नोट की बात करें, जो हमारी करेंसी या कागज के नोट है, वो कब से हैं आपके पास? वो भी उसी टाइम से शौक शुरू हो गया। जैसे कि 0000786, 3 बार पहले 0 फिर 786 है, फिर 786 है, फिर 3 बार 0 है, फिर 0786 00 है। इस तरीके के 100 रुपये का बड़ा नोट हुआ करता था, वो भी मेरे पास है, 10 रुपये का एक बड़ा नोट हुआ करता था, 1957 तक ये चले थे, ये भी मेरे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा 1940 का कागज़ का 1 रुपये का नोट भी है, पुराने नोटों के हिसाब से चले तो। सीरीज में एक नोट पे 6 डिजिट में अंक होते हैं, मेरे पास सीरीज में ऑल वंस 6 बार 1-1, 6 बार 2-2, 6 बार 3-3, इस तरीके से पूरी सीरीज अप टू 9, 111, 222, 33, 44, 99 तक ये सीरीज है। उसके अलावा ऑल 5 टाइम 0, फिर 1, फिर 5 टाइम 0, फिर 2, इस तरीके से ये 1 से 20 तक है। मतलब इस आपकी कलेक्शन में आपके घर वालों का कितना सपोर्ट है? वही, घर वालों का भी पूरा सपोर्ट रहता है कि भाई कहीं से कोई आके मिला या कहीं, ये मैं तो खैर विदेश जाता नहीं हूँ, छोटे भाई वगैरह मेरे जाते रहते हैं, वो भी ला के देते हैं भाई ये सिक्के। इस तरीके से बाहर के सिक्कों का मेरे को पहले शौक नहीं था, इसी कड़ी में मैंने 52 देशों के तरह तरह के सिक्के वो भी इकट्ठे किए हुए हैं। वो भी इकट्ठे किए तो आप ये मानते हैं कि एक बिजनेसमैन होने के नाते इसके लिए टाइम कैसे निकालते हुआ? भाई, इसके लिए टाइम क्या है कि लोगों को तो गड्डी गिनने में ध्यान रहता है, मेरा नंबर पे ध्यान रहता है गिनने में। जैसे ही निकला मैंने उठा के अपनी जेब में डाल लिया, उसके बाद अपने घर पे ला के लगा दिया। ये तो कभी संडे वगैरह को जो फुर्सत मिल जाती है, जब इनकी लेमिनेशन और वो करनी होती है, वरना कहना ये तो ऐसे रखे रहते हैं। तो आप जो स्थानीय लोग हैं वो आपको कितना मोटिवेट करते हैं इसके लिए? आपकी कलेक्शन को देख के बड़े खुश होते हैं। अभी दिनेश अग्रवाल जी का बता रहा था, उन्होंने तो बाकायदा रिटर्न में अप्रिशिएशन लेटर भेजा है, विपुल गोयल ने भी अप्रिशिएशन लेटर भेजा हुआ है। डॉक्टर, हाँ, हमारे सामने ही डॉक्टर अनीता कांत हैं, जो कि मेरे ख्याल से फरीदाबाद की गायनी की सबसे एज डॉक्टर है। उनको, उन्होंने भी ये देखा तो उन्होंने अपने घर से उठा के एक मुट्ठी भर के सिक्के थे, क्योंकि ये यार मेरे सिक्के आपके काम आ जाएंगे, ये भी आप पकड़ो। करंसी के अद्भुत शौकीन सतीश सिंगल के पेपर करंसी संग्रह की शुरुआत 01 नंबर वाले नोट से होती है और इसी श्रृंखला में क्रमानुसार उनके संग्रहालय में 101 तक के नोट उपलब्ध हैं। सतीश सिंगल के पास पेपर करंसी के संग्रह की शुरुआत 00000001 नंबर वाले नोट से होती है, इसी श्रृंखला में आगे क्रमानुसार 02 03 से होते हुए 01 101 तक वाले नोट इनके संग्रहालय में मौजूद हैं। इसी तरह 010 और 020 से लेकर 0100 तक के नोट इनकी सीरीज में मौजूद हैं। सिंगल के पास नोटों की विभिन्न विभिन्न प्रकार की सीरीज अभी भी बाकी है, जिसमें
00 100 से लेकर 00 1000 तक, 00 1000 से लेकर 0 10000 तक, 0 10000 से लेकर 1 लाख तक और 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की ये पूरी सीरीज इनके संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। सीरीज का आखिरी नोट 7 डिजिट का होता है, वो भी इनके पास मौजूद है। इस संग्रह की समाप्ति यहीं पर नहीं होती, अभी तो इनके पास 6 इक्के, 6 दुक्की, 6 टिक्की से लेकर 6 9 मतलब 111111 और इसी सीरीज में इनके पास 9 नंबर तक के सभी नोट मौजूद हैं। जीवन में लकी माने जाने वाले नंबरों के नोट भी इनके पास मौजूद हैं, जिसमें 000786, 0786000, 786000 जैसे नंबर इनके पास अभी भी मौजूद हैं। 100 रुपये से 10 रुपये के पुराने बड़े साइज के नोट भी हैं। 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे और 2 आने के सिक्के चांदी के इनके पास अभी भी रिकॉर्ड में शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत किस्म किस्म के सिक्के और नोट घर के म्यूजियम में रखे हुए हैं। सती सिंगल के अनुसार वह अपनी इस कलेक्शन को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। अगर उनके बच्चों ने इस कलेक्शन को संभालने से इनकार कर दिया तो वो इस कलेक्शन को म्यूजियम को दे देंगे। सती सिंगल के शौक ने पूरे परिवार को बहुत परेशान किया है, इसकी गवाह बनी खुद उनकी पत्नी वंदना ने यह जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। सती सिंगल की पत्नी वंदना ने बताया कि जब शुरू शुरू में उनके पति ने करेंसी की कलेक्शन शुरू की थी तो वह हर समय और छुट्टी के दिन घंटों इसी काम में लगे रहते थे, जिससे परिजन लगातार परेशान होते थे और यह सब नापसंद करते थे। लेकिन इनके शौक और कलेक्शन के कारण जब मान सम्मान और शोहरतें मिलने लगी तो फिर सभी परिवार वालों को भी अच्छा लगने लगा। उनकी पत्नी ने बताया कि नायाब कलेक्शन वह किसी कीमत पर नहीं बेचना चाहेंगे। तब तो मैं बहुत इरिटेट होती थी कि क्या है ये सारे दिन लगे रहते हो, फोन आते रहते हैं सारे टाइम, बहुत फैलाते रहते हैं, मतलब यही इसी में लगे थे। कई बार देखो तो 2-2 घंटे इसी में लगे रहते हैं, और घर में सैटरडे संडे में जैसे घर में होते तो बहुत इसी में, तो मैं गुस्सा सा भी आता था कि क्या सारे टाइम लगे रहते हो। लेकिन अब अच्छा लगता है कि लोगों को बहुत मतलब इंटरेस्ट आता है, जगह जगह से सब जगह से फ़ोन आते हैं कि भाई कलेक्शन देखनी है हमको, तो अच्छा लगता है। मैं अब इनका काफ़ी मतलब सहयोग भी करती हूँ, अभी बहुत खुशी होती है। देखो हाँ, इनके कलेक्शन के वजह से हम इतनी जगह मतलब जा पाए जहाँ सम्मानित किया गया। अभी हम पीछे से रिपोर्ट ऑडिटोरियम में गए थे तो वही इन्हीं कलेक्शन के वजह से हम जा पाए, नहीं तो क्या हम कैसे जा पाते। शौक कैसा भी हो, नीति और नियत ठीक हो तो मेहनत जरूर रंग लाती है। इसी अद्भुत कार्यक्रम में आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए गजेंद्र राजपूत को दीजिए इजाजत, नमस्कार।